हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट यूटेट के विद्यार्थियों के लिए सीटेट इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 13 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंग्लिश इज़ टॉट इन इंडिया बिकॉज टुडे हियर इट इज़। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, द लैंग्वेज एलिट क्लास, अ सिंबल ऑफ पीपल्स एस्पिरेशन फॉर क्वालिटी इन एजुकेशन एंड फुलर पार्टिसिपेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज लाइफ, द ओनली लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ विच वन कैन अचीव सक्सेस, द ओनली लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट बुक इन हायर क्लासेस। तो इंग्लिश इंडिया में क्यों टीच करी जाती है? क्योंकि ये कैसा सिंबल बन गई है, ये सिंबल बन गई है क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी का। और किसी भी इंटरनेशनल और नेशनल पार्टिसिपेशन में इंग्लिश का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन आवर कंट्री इंग्लिश डज नॉट स्टैंड अलोन, इट नीड्स टू फाइंड इट्स प्लेस अलोंग विद अदर इंडियन लैंग्वेजेस, अदर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, अदर इंडियन डायलैक्ट्स, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, अदर इंडियन लैंग्वेजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। आपको चार स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं, आपको चारों को पढ़ के ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर चारों की चारों सही हैं तो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव आप टिक कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट इस तरीके से है, सेकेंड लैंग्वेज पेडागोजी मोर देन द टीचिंग ऑफ एनी अदर सर्कुलर सब्जेक्ट मस्ट मीट द मोस्ट स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियन ऑफ द यूनिवर्सल सक्सेस ऑफ द स्पॉन्टेनियस एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एटलीस्ट एवरी डे पर्पजेस। अ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम परस्पेक्टिव इज परहैप्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीवेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। लैंग्वेज इज बेस्ट अक्वायर्ड थ्रू डायरेक्ट डिफरेंट मीनिंग मेकिंग कंटेक्सट एंड हैंस ऑल टीचिंग इज इन अ सेंस लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन इंडिया द एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग इज द क्रिएशन ऑफ, कि इंडिया में इंग्लिश टीचिंग का एम क्या है, क्या क्रिएट करना इसका एम है। फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीलिंगुअल्स हु कैन एनरिच ऑल अवर लैंग्वेज, दिस हैज़ बीन एन अबाइडिंग नेशनल विजन। स्कॉलर्स ऑफ दिस लैंग्वेज सच रिसर्चर्स हु विल बी एबल टू डू देयर वर्क्स इन दिस लैंग्वेज, नन ऑफ द अबव। तो इंडिया में इसका एम है ये है कि एक मल्टीलिंगुअल्स सोसाइटी हम पैदा कर सकें ताकि वो नेशन को आगे बढ़ा सकें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अ गुड इंट्रोडक्शन टू अ टेक्स्ट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, टेलिंग द स्टूडेंट्स एनीथिंग दैट दे कैन फाइंड आउट फॉर देमसेल्व्स बाय रीडिंग द टेक्स्ट, अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट ब्लॉकिंग द स्टूडेंट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय द मीन्स ऑफ क्वेस्टिंग। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। तो कोई भी इंट्रोडक्शन गुड इंट्रोडक्शन की श्रेणी में तब आता है जब वो शॉर्ट हो और टू द पॉइंट हो, यानी पॉइंट टू पॉइंट हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू रिमूव कन्वेंशनल बिलीव अबाउट जेंडर रोल्स। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, टीचिंग ऑल द लर्नर्स टू स्वीप वॉश एंड सीव इन द क्राफ्ट क्लास विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट अगेन पेडागोजी के क्वेश्चन है, लर्नर्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क बिकॉज दीज 4 ऑप्शंस। द ऑप्शन फर्स्ट इज एनेबल द already overworked teacher to preserve her energy thereby becoming more effective, afford the learners opportunity to use
the language in a focused manner for real-life interaction provide the learners enough opportunities to relax in a language classroom, have the solemn to sole aim of introducing variety in a language classroom. तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा. अफोर्ड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू यूज़ द लैंग्वेज इन अ फोकस मैनर फॉर रियल लाइफ इंटरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग. चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस लेसन्स, चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर, चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन लर्निंग अ न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स. तो इसका ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस लेसन्स. नेक्स्ट है, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज ए और एन असेसमेंट गाइडलाइन, स्कोरिंग की, क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जनरल इम्प्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी. तो इसका ऑप्शन नंबर फोर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जनरल इम्प्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी. वाइल रीडिंग सिग्निफिकेशन इज कन्वर्जन ऑफ मैसेज फ्रॉम इनटू अ डायग्राम और टेबल, अराइविंग एट द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड बाय रीडिंग अदर्स अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, recognizing the message in a set of symbols, comprehending a sentence by putting together the meaning of its constituent words. तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, arriving at the meaning of an unfamiliar word by reading other words in a sentence. Next question है, while writing a telegram, a necessary feature to be applied is, telegram लिखते समय सबसे मूलभूत चीज़ क्या होती है या सबसे नेसेसरी फीचर क्या होता है. नीटनेस, पर्सनल टच, पर्सनल एब्रीविएशन, ब्रेविटी. तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा, पर्सनल एब्रीविएशन. नेक्स्ट है, इफेक्टिव फैक्टर्स इन मोशन आर लिंक टू स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कंप्लीट अ लैंग्वेज टास्क, सर्वाइवल एंड सेफ्टी needs own perception of their ability, understanding success and failures. तो इसका ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो करेक्ट आंसर होगा, own perception of their ability. नेक्स्ट है, iconic mode of learning is based on a system of using a variety of activities, symbols, images and diagrams, different types of graphs. तो आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो इसमें इमेजेस और डायग्राम्स का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ इंक्लूडेड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन बिकॉज. तो जो राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट जो था 2009 का, उसमें हर चाइल्ड को एजुकेशन, हर चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन की बात कही गई थी. तो ये किस लिए था, एवरी चाइल्ड, इसका मूल उद्देश्य क्या था, इसका मतलब ये है. तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर वन है, एवरी चाइल्ड ग्रोज रैपिडली बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, प्रॉपर हेल्थ केयर इज असेंशियल, it nurtures the physical, mental and emotional aspect of the child, it ensures that every child is a part of a workforce. तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो इसका आंसर है, it nurtures the physical, mental and emotional aspect of the child. लास्ट क्वेश्चन है, formative assessment is assessment of learning, at learning, in learning, for learning. तो आपको ये कंप्लीट सेंटेंस बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. तो आपको करेक्ट प्रीपोजिशन एक्चुअल में यूज़ करनी है. फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होगा ये कंप्लीट सेंटेंस होगा. तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर है. चलिए इसी के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.